अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ अजलफा सलीम। वेलकम टू जैम स्पोर्ट्स। दुनिया भर में खेलों की दुनिया फिर से आबाद हो गई है और खेलों के मैदान सजने लगे हैं। तो अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड अपना सेगमेंट न्यूज़ एंड व्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सेकंड टेस्ट मैच साउथहैम्पटन में हुआ और वो मैच जैसा कि हमने आपको बताया था कि ड्रॉ होगा और वैसा ही हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम को सिर्फ एक एक इनिंग खेलने का मौका मिला। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 236 रन बनाकर ऑल आउट हुई और जब इंग्लैंड की क्रिकेट टीम लास्ट डे पर टेस्ट मैच के खेलने आई तो 110 रन बनाकर 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर इनिंग्स डिक्लेयर कर गई। इस मैच में बारिश ने तो रंग में भंग डाला ही, लेकिन बैड लाइट किसी से पीछे नहीं रही और ख़राब रोशनी की वजह से मैच के 500 दिन मुतासर हुए और ये मैच बिल्कुल बोरिंग मैच रहा और क्रिकेट के शायकीन को सेकंड टेस्ट मैच एंजॉय करने का बिल्कुल मौका नहीं मिला। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम साउथहैम्पटन में अपना 3rd टेस्ट मैच खेल रही है और इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने पहले बैटिंग की टॉस जीत कर और उनका फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बॉलिंग एक बार फिर मायूस कर गई है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बॉलिंग बिल्कुल सही नहीं रही और इंग्लैंड अब एक अच्छी लीग की तरफ बढ़ रहा है। जैक क्रॉली सेंचुरी बना चुके हैं और उनकी डेब्यूट सेंचुरी है और उनकी नज़र भी अब डबल सेंचुरी की तरफ है। तो देखना ये होगा कि जो रन्स का पहाड़ इंग्लैंड क्रिकेट टीम खड़ा कर रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, उसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम कैसे टैकल करती है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त मौजूद है इंग्लैंड में और टेस्ट सीरीज़ तो हो ही रही है, लेकिन इसके बाद T20 सीरीज़ भी होनी है और T20 सीरीज़ के लिए चीफ सेलेक्टर मिसबाह-उल हक ने 17 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट कर लिया है और उन खिलाड़ियों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन, T20 के कैप्टन बाबर आजम शामिल हैं। उनके साथ शामिल हैं फ़खर जमान, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, खुशदिल शाह, मोहम्मद हफीज़, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह, सरफराज अहमद, शादाब खान, शाहिन शाह आफरीदी, शुएब मलिक, वहाब रियाज और हैदर अली और नसीम शाह को पहली बार T20 स्क्वाड में शामिल किया गया है, जबकि सरफराज अहमद का हुआ है कमबैक। तो देखते हैं कि हैदर अली और नसीम शाह को मौका मिलता है या नहीं अपना पहला T20 खेलने का। और बेस्ट ऑफ लक कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कि उम्मीद करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज़ में तो इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाई, लेकिन उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 सीरीज़ जीते। साल के शुरू में क्रिकेट के शायकीन को इतनी क्रिकेट देखने को नहीं मिली, लेकिन उसके बाद इंग्लैंड ने बायोसिक्योर इन्वायरमेंट क्रिएट किया और वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान को इन्वाइट किया कि वो इंग्लैंड के बायोसिक्योर इन्वायरमेंट में आकर खेलें और दोनों टीमों ने इनका इन्विटेशन एक्सेप्ट किया और अपनी जान की परवाह नहीं की, इंग्लैंड पे ट्रस्ट किया और दोनों टीम्स खेलने गई। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ भी अपनी टेस्ट सीरीज़ खेल चुकी है, पाकिस्तान सीरीज़ खेल रहा है, पाकिस्तान को T20 सीरीज़ भी खेलनी है इंग्लैंड में। अब आपको बताएं कि जिम्बाब्वे की टीम को पाकिस्तान का टूर करना था, लेकिन कहा यह जा रहा था कि शायद टूर कैंसिल हो जाए, लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO वसीम खान ने कह दिया है कि जिम्बाब्वे की टीम के आने के चांसेस 90% हो गए हैं, 90% कंफर्मेशन है कि जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान आए और हम जिम्बाब्वे की टीम के लिए बायोसिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, उन्हें पूरी सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे और वो यहाँ पर बिल्कुल सेफ रहेंगे। अब जिम्बाब्वे की टीम अपनी गवर्नमेंट की तरफ देख रही है, अगर उनकी गवर्नमेंट इजाज़त दे दे तो जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान में आकर अक्टूबर में खेलेगी। और पाकिस्तान सुपर लीग मनसूख हो गई थी पेंडेमिक की सिचुएशन की वजह से, पाकिस्तान में केसेस रिपोर्ट होना स्टार्ट हो गए थे तो बिल्कुल एकदम से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। खबर ये भी आ रही थी कि पाकिस्तान सुपर लीग के किसी एक फॉरेन प्लेयर का COVID-19 टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया है, तो इस वजह से लीग को मनसूख किया गया और सेमीफाइनल और फाइनल नहीं हो पाया। लेकिन CEO वसीम खान ने यह भी बता दिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नवंबर में 3 दिन की विंडो तलाश कर रहा है कि 3 दिन में सेमीफाइनल और फाइनल पाकिस्तान सुपर लीग का हो सके और वो पाकिस्तान में ही होगा। तो अब आपको बताएं कि दिसंबर में न्यूजीलैंड की सीरीज़ है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को टूर करने जाना है न्यूजीलैंड, जहां पर वो टेस्ट मैचेस खेलेगा और ODI मैचेस खेलेंगे।
तो उम्मीद करते हैं कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं हो और ये जो हमारे पास शेड्यूल है, हमारा जो बिज़ी शेड्यूल है आने वाले महीनों में, ये बरकरार रहे और क्रिकेट के शायकीन को, ख़ास तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस को, अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। आपको बताएं कि सलीम मलिक पर मैच फिक्सिंग के इल्ज़ाम की वजह से उन्हें माजी में बैन का सामना करना पड़ा और सलीम मलिक क्रिकेट से जुड़ी कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसका उन पर बैन लगाया था। लेकिन अब आपको बताएं कि सलीम मलिक एक बार फिर मंजर में आ गए हैं और उन्होंने अपील भी की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, उनका केस भी दोबारा रीओपन करवाया है सलीम मलिक ने। अब सलीम मलिक ने राशिद लतीफ़ पे लगाया है एलिगेशन। उन्होंने कहा है कि राशिद लतीफ़ साथी खिलाड़ियों को एक पॉलिटिकल पार्टी के नाम से धमकियां देते थे, उस पार्टी का नाम इस्तेमाल करते थे और राशिद लतीफ़ साथी खिलाड़ियों को धमकियां देते थे। तो इसके बाद राशिद लतीफ़ के जितने भी फ्रेंड्स हैं, उनके साथी खिलाड़ी हैं, उन्होंने राशिद लतीफ़ की साइड ली और उन्होंने कहा कि राशिद लतीफ़ को हम काफ़ी अरसे से जानते हैं और ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया जिस पर हम सलीम मलिक की बात पर यकीन करें। और सलीम मलिक ने ये एलिगेशन लगाया, लेकिन राशिद लतीफ़ की जानिब से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं शामिल हुआ, ना उन्होंने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया जिससे पता लगाया जाए कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है। हाँ, राशिद लतीफ़ ने एक ट्वीट किया और पोएटिक मैनर में सलीम मलिक को जवाब दिया और उन्होंने कहा कि हम चुप हैं कि बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सुकून, नादान ये समझ बैठे कि हम में कुव्वते ललकार नहीं। तो इस ट्वीट को देखते हुए यही अंदाज़ा होता है कि राशिद लतीफ़ इसलिए चुप हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट की बदनामी ना हो जो अक्सर होती रही है, मैच फिक्सिंग हो, करप्शन हो, इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा मनफी खबरों में ही रहा है और अब ऐसा टाइम आया है कि पाकिस्तान क्रिकेट एक अच्छी जानिब बढ़ रही है। वसीम खान हो, एहसान मानी हो, बहुत अच्छी तरह लेकर चल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। इस वजह से शायद राशिद लतीफ़ चुप हैं और वो जवाब नहीं देना चाहते सलीम मलिक को। और एक तरह से ये अच्छा भी है, अगर राशिद लतीफ़ भी कोई स्टेटमेंट शामिल कर देते हैं तो फिर एक के बाद एक स्टेटमेंट्स आएंगे और ये एक लड़ाई की सूरत इख्तियार कर जाएगा, इसलिए राशिद लतीफ़ ने कोई स्टेटमेंट शामिल नहीं किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उमर अकमल के मामले में खेलों की आलमी अदालत में जाने का फ़ैसला किया था और उन्होंने अपील भी दायर कर दी। अब उमर अकमल भी यही कर रहे हैं। एक दिन बाद ही उमर अकमल ने अनाउंसमेंट कर दी कि वो भी खेलों की आलमी अदालत में जाएंगे और वहाँ पर अपने केस की अपील करेंगे कि उनकी सज़ा को मज़ीद कम किया जाए। एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सज़ा को बरकरार रखने के लिए अपील कर रहा है तो दूसरी तरफ उमर अकमल सज़ा को कम करवाने की अपील कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि फ़ैसला किसके हक में आता है। आसिफ अली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के T20 प्लेयर हैं। जब जब उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका मिला पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी करने के लिए, वो परफॉर्म नहीं कर पाए। आसिफ अली अक्सर लीग्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और हमेशा से ही उनकी परफॉर्मेंस लीग्स में बेहतरीन रहती है। फिर यही हुआ और आसिफ अली इस वक्त CPL खेल रहे हैं। CPL में आसिफ अली ने अपनी टीम को 159 का चेज आसान बनाकर दिया और 27 बॉल्स पर 47 रन्स बनाए जिसमें 5 फोर्स और 2 सिक्सेस शामिल थे और आसिफ अली ने ये शानदार इनिंग खेली और मैन ऑफ द मैच भी उन्हें इस शानदार इनिंग पर मिला। शायद उनका बैड लक है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में परफॉर्म नहीं कर पाते और हमेशा लीग्स में ही परफॉर्म करते हैं, लेकिन शायद अगर उन्हें मौका मिले फिर तो शायद वो परफॉर्म कर दें। लेकिन अक्सर ऐसा ही हुआ है कि उन्हें हमेशा टीम में शामिल किया गया और वो टीम को परफॉर्म करके नहीं दे पाते। इस वजह से वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ खेलेगा उसमें भी उन्हें 17 प्लेयर्स में शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया और वो उसमें शामिल नहीं है। इसीलिए आसिफ अली CPL खेलने गए हुए हैं और वहाँ पर अपनी शानदार परफॉर्मेंस से पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद कर रहे हैं। आपको बताएं कि बाबर आजम पाकिस्तान T20 के कैप्टन हैं और समर सेट से उनका मुआहदा है T20 ब्लास्ट के लिए, लेकिन अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें परमिशन देता है या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब इंग्लैंड से वापस आ जाएगी तो नेशनल T20 कब शुरू हो जाएगा और शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाबर आजम को परमिशन नहीं दे
टी20 ब्लास्ट खेलने की, क्योंकि पाकिस्तान में उनका डोमेस्टिक सीजन स्टार्ट हो रहा है नेशनल टी20 कप। देखना ये होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इजाज़त देता है या नहीं। बाबर आजम से रिलेटेड ही एक न्यूज़ आपके साथ शेयर करते हैं। बाबर आजम को दुनिया के मायानाज बैट्समैन में शामिल किया जाता है। उन्हें हमेशा उनकी टेक्निक, उनकी क्लास और उनकी परफॉर्मेंस और उनकी कंसिस्टेंसी की वजह से हमेशा याद रखा जाता है। और उनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन रही है, हमेशा कंसिस्टेंट हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। सिर्फ एक फॉर्मेट में नहीं बल्कि तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को परफॉर्म करके देते हैं। इस वजह से उनकी परफॉर्मेंस हमेशा नुमाया रही है हर सीरीज़ में। और अब बाबर आजम फिफ्थ पोजीशन पे आ चुके हैं टेस्ट क्रिकेट की रैंकिंग में, और नंबर वन टी20 प्लेयर तो वो हैं ही, नंबर थ्री ODI प्लेयर हैं रैंकिंग में। तो इस तरह से बाबर आजम दुनिया के वाहिद खिलाड़ी हैं जो टॉप 5 रैंकिंग में तीनों फॉर्मेट में मौजूद हैं। तो ये एक खुशी की खबर है बाबर आजम के फैंस के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस के लिए, और हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि बाबर आजम दुनिया के वो वाहिद खिलाड़ी हैं जो इस वक्त टॉप 5 रैंकिंग में मौजूद हैं और तीनों फॉर्मेट में टॉप 5 रैंकिंग में मौजूद हैं और डोमिनेट कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि बाबर आजम जल्द नंबर 1 ODI और नंबर 1 टेस्ट प्लेयर भी बन जाएं। मोहम्मद अब्बास की भी तरक्की हुई है टेस्ट रैंकिंग में, और मोहम्मद अब्बास की जो रैंकिंग है वो 8 है टेस्ट क्रिकेट में। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ये प्लेयर्स हमारे लिए फ़ख्र का बायस ही हमेशा बनते हैं। अपनी अच्छी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान का सर हमेशा फ़ख्र से बुलंद करते हैं। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया गया और उसमें मुश्ताक अहमद स्पिन बॉलिंग के फ़राइज़ अंजाम दे ही रहे थे। लेकिन अब आपको बताएं कि दुनिया के अजीम बैट्समैन में जिनको शामिल किया जाता है मोहम्मद यूसुफ़ को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर का बैटिंग कोच मुकर्रर कर दिया है। मोहम्मद यूसुफ़ के साथ अतीकुज़्ज़मा और मोहम्मद जाहिद भी हैं। अतीकुज़्ज़मान को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने विकेट कीपिंग और फील्डिंग कोच मुकर्रर किया है, जबकि मोहम्मद जाहिद को फास्ट बॉलिंग कोच मुकर्रर किया है। इसके साथ साथ 6 एसोसिएशन कोचेस का भी ऐलान कर दिया है, और उन 6 एसोसिएशन कोचेस में ये साबिक प्लेयर्स शामिल हैं। अब्दुल रजाक खैबर पख्तूनख्वा के हेड कोच हैं, जबकि बासित अली सिंध की टीम के हेड कोच मुकर्रर हुए हैं। फैसल इकबाल बलूचिस्तान की टीम के हेड कोच, अनवर सेंट्रल पंजाब, अब्दुल रहमान साउथर्न पंजाब, मोहम्मद वसीम नॉर्दर्न पंजाब के हेड कोच मुकर्रर हुए हैं, और ये 6 साबिक प्लेयर्स मिसबाह हक की सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सिलेक्शन पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे प्लेयर्स की और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत आगे तक लेकर जाएंगे। मैंने जैसा कि आपको अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में बताया कि पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के सेकेंड टेस्ट मैच में बैड लाइट ने बहुत मैच का मजाक किरकिरा किया। तो अब आपको बताएं कि अगर ऐसा होता है, ICC की जानिब से एक नया कानून बनाया गया है और जिसमें बताया गया है कि अब जो थर्ड टेस्ट मैच होगा जो बारिश से मुतासर हो सकता है, प्रेडिक्शंस का यही कहना है। तो अगर पहले दिन बारिश होती है या दूसरे दिन बारिश होती है तो उससे अगले दिन मैच को जल्दी स्टार्ट किया जाए। अगर वेदर ठीक है तो हम मैच को 10:30 बजे स्टार्ट कर सकते हैं इंग्लैंड टाइम के मुताबिक। वैसे मैच 11 बजे सुबह स्टार्ट होता है इंग्लैंड टाइम के मुताबिक, लेकिन अगर पिछले दिन बारिश होती है तो उससे अगले दिन मैच को जल्द स्टार्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से टाइम जो लॉस होता है, टाइम का बहुत लॉस हुआ सेकेंड टेस्ट मैच में, और शायकी ने क्रिकेट देखने को नहीं मिली। तो ये एक अच्छा इकदाम है, और उम्मीद करते हैं कि इस टेस्ट मैच में जो थर्ड टेस्ट मैच है इसमें पूरी क्रिकेट देखने को मिले और बारिश और बैड लाइट मैच का मज़ा किरकिरा नहीं करे। जहां एक तरफ US ओपन खेलने के लिए काफ़ी प्लेयर्स इनकार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान टेनिस स्टार एसामुल हक US ओपन खेलने के लिए रवाना हो चुके हैं, और उनका कहना है कि वो US ओपन में पार्टिसिपेट करेंगे। भले ही पेंडेमिक की सिचुएशन है, लेकिन अगर उन्हें एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया जा रहा है, बायोसिक्योर एनवायरनमेंट दिया जा रहा है, तो वो इस US ओपन में ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे। और ऐसा ही हुआ, वो अब US ओपन के लिए रवाना हो चुके हैं। तो उनको हम बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। इंशाल्लाह US ओपन में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद करेंगे। अब आपको बताएं कि पंजाब हॉकी एसोसिएशन ने ओलंपियन नवीद आलम पर 10 साल का बैन लगाया है एंटी हॉकी एक्टिविटीज़ की वजह से। पाकिस्तान हॉकी एसोसिएशन का कहना है कि ओलंपियन नवीद आलम हमेशा से एंटी हॉकी
एक्टिविटीज़ में मुलव्वस रहे हैं, इस वजह से उन्हें 10 साल के लिए बैन किया जाता है। जिस पर ओलंपियन नवीद आलम का स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा, सबको पता है कि पाकिस्तान हॉकी एसोसिएशन या पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन करप्शन में कितनी ज़्यादा इन रही है और इसमें करप्शन होती रही है, और उनका कहना था कि वो पाकिस्तान हॉकी एसोसिएशन और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ख़िलाफ़ लड़ते रहेंगे और अपना मौक़िफ़ बरकरार रखेंगे। आपको बताएं कि यूएफ़ा चैम्पियंस लीग का फ़ाइनल लाइनअप कंप्लीट हो गया है और फाइनलिस्ट का पता चल गया है कि कौन फ़ाइनल में खेलेगा। आपको बताएं कि पीएसजी वर्सेस बायर्न म्यूनिख का मैच होगा फ़ाइनल में और ये दोनों टीमें आपस में टकराएंगी। अब देखना ये होगा कि यूएफ़ा चैम्पियंस लीग कौन अपने नाम करता है। दोनों टीमों के लिए बेस्ट ऑफ लक। अब देखते हैं कि दोनों टीम्स में कौन डोमिनेट करेगा फ़ाइनल के दिन। आपको बताएं कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हुई और क्या शानदार वापसी हुई। टेस्ट टीम्स भी खेलने आई और T20 भी खेले गए, वनडे भी खेले गए, PSL इस बार पूरी पाकिस्तान में हुई, तो बहुत अच्छी खबर थी पाकिस्तानी शायकीन के लिए, क्योंकि वो काफ़ी अरसा पाकिस्तान में इंटरनेशनल प्लेयर्स को उन्होंने खेलता हुआ नहीं देखा। और अपनी टीम को अपने होम ग्राउंड में खेलने का बहुत एडवांटेज होता है और इससे पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी काफ़ी मुतासर हुई। तो अब आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड में मौजूद है। सेकंड टेस्ट मैच के बाद जॉय रूट, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कैप्टन, ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो पाकिस्तान आने के ख्वाहिशमंद हैं। वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान को विज़िट करें। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान के पिचेस फ्लैट होती हैं, तो उन्होंने कहा कि उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी कि बोर्ड ये फैसला करता है कि पाकिस्तान में जाकर इंग्लैंड की टीम खेले। उन्होंने ये भी कहा कि ये फैसला करना उनके हाथ में नहीं, फैसला बोर्ड ने करना है कि पाकिस्तान जाना है या नहीं, लेकिन वो पर्सनली खुद ख्वाहिशमंद हैं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम से पाकिस्तान में ही आकर खेलें। और उन्होंने ये भी कहा कि सबने देखा कि पाकिस्तान में क्रिकेट की क्या शानदार वापसी हुई, काफ़ी इमोशनल सीन था क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने होम ग्राउंड में खेलने से कासर थी, खेल नहीं पा रही थी। माजी में एक ऐसा वाकया हुआ जिसकी वजह से क्रिकेट के शायकीन पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं देख पाए काफ़ी अरसे तक। तो उन्होंने कहा कि काफ़ी इमोशनल कमबैक हुआ क्रिकेट का पाकिस्तान में, और शायकीन क्रिकेट ने भी ग्राउंड में आकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत अप्रिशिएट किया। और सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ही नहीं, जो टीम्स यहाँ पर खेलने आई श्रीलंका बांग्लादेश, उन्हें भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया कि उन्होंने पाकिस्तान पर ट्रस्ट किया, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर ट्रस्ट किया और वो पाकिस्तान में खेलने आई। और इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि उन्होंने काफ़ी फॉरेन प्लेयर्स से सुना है कि पाकिस्तान में बहुत मज़ा आता है और पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, वहाँ की सिक्योरिटी बेस्ट है। तो जॉय रूट ने कह दिया है कि वो पाकिस्तान आने के ख्वाहिशमंद हैं। अब देखना ये होगा कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड क्या फैसला करता है। अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है क्विज का। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था और आपने उस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया है। सईद अनवर ने सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए थे 1996 की टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ, और जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है उनके नाम हैं ये, फर्रुख खान, मोहम्मद जवाद, सरयाब खान, असद शाह, उसामा अली। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम, उन्होंने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। और अब हमारा आज का क्वेश्चन भी 1996 की टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है, तो आज का क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द हाइएस्ट विकेट टेकर इन 1996 टेस्ट सीरीज ऑफ इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान। ऑप्शन ए इज़ डोमिनिक कोक, ऑप्शन बी इज़ वसीम अकरम, ऑप्शन सी इज़ वकार यूनुस, ऑप्शन डी इज़ मुश्ताक अहमद। तो आपको बताना है कि वो कौन सा प्लेयर था 1996 की टेस्ट सीरीज में जिसने सबसे ज़्यादा विकेटें अपने नाम की थी। तो ऑप्शंस आपने देख ली हैं, आप अपना राइट आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर दे सकते हैं। उम्मीद करती हूँ इस क्वेश्चन का भी बिल्कुल राइट आंसर आप लोग देंगे।
अब हमारा सेगमेंट है फन क्लिप का। तो देखते हैं कि आज की फन क्लिप में क्या हो रहा है। आई होप ये फन क्लिप आपने एंजॉय की होगी। अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है प्लेयर्स प्रोफाइल। आज के प्लेयर्स प्रोफाइल के सेगमेंट में हम इंडियन क्रिकेटर MS धोनी की प्रोफाइल डिस्कस करेंगे। MS धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गए हैं 15 अगस्त को, तो पाकिस्तान में भी उनके काफ़ी फैन फॉलोइंग है। तो आज के इस सेगमेंट में MS धोनी की प्रोफाइल पर एक नज़र डालते हैं। MS धोनी एक तवील अरसे तक इंडियन नेशनल टीम के कैप्टन रहे। उन्हें लिमिटेड ओवर की कैप्टनशिप 2007 से 2016 तक निभाई और टेस्ट क्रिकेट में उन्हें 2008 से 2014 तक कप्तानी के फ़राइज़ अंजाम दिए। उनकी कैप्टनसी में इंडिया ने ICC वर्ल्ड T20 भी जीता और एशिया कप भी अपने नाम किया और ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप भी जीता। तो MS धोनी वो कप्तान हैं जिसने तीनों ICC ट्रॉफी अपने नाम की हुई हैं। इसके साथ साथ MS धोनी चैम्पियंस ट्रॉफी भी जीत चुके हैं। MS धोनी इंडियन नेशनल टीम के विकेट कीपर थे और उन्होंने ODI क्रिकेट में 10,000 से ज़्यादा रन स्कोर किए और MS धोनी को फिनिशर कहा जाता था। वो विकेट कीपर थे और वो आकर गेम को फिनिश करके जाते थे, चाहे कितने भी ज़्यादा रन हो, लेकिन MS धोनी का स्टाइल ही ऐसा था कि वो गेम को फिनिश कर कर जाते थे। MS धोनी ने टेस्ट में 90 टेस्ट मैचेस खेले, ODI में 350 ODI मैचेस, जबकि T20 में 98 मैचेस खेले। टेस्ट क्रिकेट में MS धोनी ने 4,876 रन बनाए, ODI में 10,773 रन बनाए, जबकि T20 में MS धोनी ने 1,617 रन बनाए। अगर बैटिंग एवरेज MS धोनी का देखें तो टेस्ट क्रिकेट में उनका बैटिंग एवरेज था 38.09, ODI में बेहतरीन एवरेज था 50.53 और T20 में 37.60 था। MS धोनी ने टेस्ट क्रिकेट में 6 सेंचुरियाँ और 33 निफ सेंचुरियाँ बनाई हैं, ODI क्रिकेट में 10 सेंचुरीज और 73 निफ सेंचुरीज बनाई हैं, जबकि T20 में उन्होंने 2 निफ सेंचुरीज बनाई हैं। टेस्ट क्रिकेट में MS धोनी का हाईएस्ट स्कोर रहा 224 रन, ODI में 183 रहा और T20 में 56 रहा। MS धोनी इंडिया के बेहतरीन विकेट कीपर थे, सिर्फ इंडिया के ही नहीं बल्कि दुनिया के बेहतरीन विकेट कीपर थे। तो ये थी MS धोनी की प्रोफाइल और MS धोनी का शानदार करियर रहा है। उन्होंने इंडिया को हमेशा गेम्स जितवाए हैं, इंडिया को अपनी कैप्टनशिप में ICC ट्रॉफी जितवाई हैं। तो MS धोनी को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं उनकी न्यू जर्नी के लिए। वो एक बेहतरीन प्लेयर थे और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी विकेट कीपर्स हों या फिर दुनिया भर के विकेट कीपर्स भी MS धोनी से सीखें और अपना करियर MS धोनी को आइडियल बनाकर स्टार्ट करें। आई होप आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अजलफा सलीम को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोस को लाइक करना और इन पे कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।